जितना मंगलमय जितना अच्छा गुण अपने आप शरीर में
सारे शुभ जीवन में अपने आप उदय होगा, जीवन में मंगल मंगलमय होगा। दो कट्टे अरे उसमें दो कट्टे में एक तरह का खसखस होता है और एक तरह का कोमल होता है। फिर जो भक्ति दो तरह का है, एक है वैदिक भक्ति और एक है राग भक्ति। वैदिक भक्ति मतलब क्या है, शास्त्र के शासन के अनुरूप जो भजन करते हैं। अगर भजन नहीं करोगे फिर 84 लाख दिन में भटकना, फिर दुख कष्ट जीवन में भोगना पड़ेगा हैं, और संसार में बड़े दुख कष्ट उठाना पड़ेगा। ये लगना संसार दावा नगली ढलोक त्रनाय कारण घना घना। तो संसार को क्या बताया, ये एक दावा न रहे। साधारण कहीं आग लग जाए ना, वहाँ फायर ब्रिगेड से बुझा हो, लेकिन जब जंगल में पेड़ घिस करके जब आग निकलती है, अगर पानी में जो आग लग जाती है, कहीं अगर आग लगे तो पानी को थोड़ा बुझा दो, अगर पानी में ही अगर आग लग जाए फिर उसको कैसे बुझाओ, वो तो बुझने वाले नहीं। उसी तरह से बताया जो संसार में, ये संसार को क्या बताया, ये तबाना रहे भैया, ये आग सहज में बुझने वाले नहीं। अनादिकाल से ये संसार रूपी तावानल में दुख कष्ट हम भोगते 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 आ रहे हैं, भोगते भोगते दुख कष्ट आ रहे हैं। लेकिन ये दुख कष्ट कैसे खत्म होगा, तभी दुख कष्ट खत्म होगी जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, तभी ये दुख कष्ट खत्म हो सकता है। और कोई उपाय नहीं दुख कष्ट को दूर करने के, हम अलग अलग तो कोशिश करते हैं, संसार में कोई दुख दुख आए कोशिश करते भैया एक दुख खत्म हो जाए, दूसरे शांति मिलेगी। देखना एक दुख दूर नहीं दूसरे दुख आ, समुद्र देखे हो कौन कौन समुद्र देखे, अब देखना एक लहर उसको पीछे और एक लहर उसको पीछे और एक लहर, अब देखना लहर खत्म ही होता है। इस संसार में भी दुख का तो खत्म नहीं, एक बार दूसरे तीसरे तीसरे के बाद चौथे, ये दुख कष्ट आती है आते आते जा रहे। इसलिए ये संसार बड़े भयानक है, संसार बड़े दुखमय है। ये चीज को समझ करके जो भक्ति करते हैं, कहते इसको क्या कहते हैं, वैदिक भक्ति। राग भक्ति मतलब जो स्वाभाविक रूप में भगवान के भजन में जो स्वाभाविक रूप में रुचि है, यदि जो एक साथ में ही जीवन में दुख दूर होता है और जीवन का जीवन में सुबह एक साथ में उदय होता है, लेकिन होने पर भी लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने उसका एक क्रम भी है, दुख दूर और सुख प्राप्ति का अपने एक छोटी धीरे धीरे क्रम भी है। इसलिए भक्ति का सबसे पहला क्या है, जो पहला जो स्टेज है श्रद्धा, सबसे पहले क्या है श्रद्धा। श्रद्धा जैसे श्रद्धा है तभी आप लोग इधर आ रहे, कथा सुन रहे हो, तिलक लगाते हो, माला जप करते हो, और इतने सवेरे सवेरे हैं कष्ट होने पर भी कल रात को कल कथा में कौन कौन गए थे, एक दो तीन चार, और रात को कितना बजे सोए, डेढ़ बजे डेढ़ दो बजे सोए, लेकिन आरती में कितने बजे आए, 4:30 बजे आए, कितना घंटा सोए, दो घंटे सोए, लेकिन कभी 2 घंटे सो करके भी आप लोग किसमें मंगलारती में आए, क्यों आए, श्रद्धा है ना। तभी केवल 2 घंटा सो करके भी कोशिश किया नहीं चलो मंगलारती में चलते हैं, कथा सुन करके आएंगे हैं, कीर्तन होगा तभी कथा सुनने के लिए आए। इसलिए जो श्रद्धा है भक्ति का सबसे पहला जो स्टेज सोपान है ये श्रद्धा। कभी जो श्रद्धा है, कभी श्रद्धा दो तरह की श्रद्धा है, एक तो लौकिक श्रद्धा है साधारण रूप में श्रद्धा, और एक जो श्रद्धा है ये एकदम पक्की श्रद्धा है, और एक श्रद्धा पक्की श्रद्धा है। इसलिए जो लौकिक श्रद्धा है, जो पहले जो साधारण रूप में जो श्रद्धा है, वो कभी कभी धीरे धीरे टूट जाती है,
किसी कारण से आपकी श्रद्धा हुई लेकिन अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए ना कहीं किसी विषय पर, फिर श्रद्धा हमारी डूब जाती है। विशेष करके संसार में अगर कोई दुख का कष्ट आ गया थोड़ी सी, अब देखना खाना नहीं छोड़े, सोना नहीं छोड़े, घूमना नहीं छोड़े, लेकिन माला ही छोड़ देते, भक्ति ही छोड़ देते, अब कोई चीज छोड़ते नहीं, खाना खाएंगे ठीक से, घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले जैसे माला भजन छोड़ने के लिए हम पहले से तैयार, भजन छोड़ने के लिए पहले से तैयार है। इसलिए ये जो श्रद्धा को कहती है लौकिक श्रद्धा है, लेकिन जो पक्की श्रद्धा है, जो पक्की श्रद्धा है भले ही जीवन में जो कुछ हो जाए लेकिन वो प्रभु का भजन कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे श्रीवास पंडित है, बोले ना श्रीवास पंडित है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद, उसमें जो श्रीवास पंडित वो गृहस्थ थे, ये चार भाई थे, चार पत्नियां हैं, इनके बच्चे भी, और जिनके घर में महाप्रभु स्वयं कीर्तन कर रहे हैं, साक्षात जगन्नाथ जगतपति जी घर में कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करते करते एक ही बेटा ने शरीर छोड़ दिया, जब छोड़ दिया अभी माताएं बैठ कर रो रही हैं, बेटा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन महाप्रभु कीर्तन को साथ श्रीवास पंडित हैं, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु सबके साथ नृत्य कीर्तन साक्षात जगन बलदेव प्रभु जगन अद्वैत आचार्य पंडित स्वयं सदा से महाविष्णु है, महाप्रभु कौन स्वयं कृष्ण, गदाधर कौन स्वयं राधा रानी, स्वयं राधा रानी जिनकी घर में कीर्तन कर रहे हैं, जिसके घर में, और उसी समय में ही उनका एक लौता पुत्र शरीर छोड़ दिया, अब घर में सब रोने लग गए, जो रोने लग गए इतने में श्रीवास पंडित को थोड़ी सी रोने की आवाज सुनाई, उन्होंने कीर्तन को प्रणाम किया, प्रणाम करते हुए अंदर में गए, जा करके देखा बेटा लेटा पड़ा हुआ, उसको पोखर ढका हुआ है, और सब माताएं बैठ करके रो रही हैं, बोले क्यों रो रहे हो, क्या बात होगी, बोले तुम्हारी एक लोग का संतान ने शरीर छोड़ दिया, तो उसने कहा भैया ये बेटा दिया किसने, देखो उनका विचार बेटा किसने दिया, ठाकुर ने दिया ना तुमने जन्म दिया, कोई बोले नहीं मैंने बेटा को मैंने जन्म दिया ना, बोले अगर तुमसे बेटा जन्म होता देखना, कोई चाहते हैं बेटा हो लेकिन बेटी 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 हो जाती, अगर तुम्हारी इच्छा से अगर बेटा होता तो बेटी बेटी क्यों हो रही है, तो बेटा ही तो बेटा होता है ना, बेटा ही तो बेटा होता, कोई कोई स्त्रियां बांझ हो जाती हैं, कोई कोई स्त्रियां बांझ हो जाती हैं, वो चाहते हैं संतान, क्या चाहने पर बच्चा होता है, अगर तुम्हारी इच्छा से बच्चा होता तो तुम्हारी इच्छा से बच्चा होता तो बच्चा क्यों नहीं होता, कोई चाहता है बेटा हमारी बात सुने, बेटा आज्ञाकारी हो, देखना बड़ा उद्दंड होता है, बात ही नहीं सुनते, इसलिए हमारी इच्छा से संतान नहीं, किसकी इच्छा से होता है, ठाकुर जी की इच्छा से ही संतान, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, सब उसकी इच्छा से, बोले भैया बेटा दिया किसी ने, बोले ठाकुर ने, बोले लिया किसी ने, बोले ठाकुर ने, बोले दिया उसने और लिया उसने, तो तुम बीच में क्यों रो रहे हो, उनका विचार देखो, दिया किसने ठाकुर ने, लिया किसने ठाकुर ने, जब दिया उसने और लिया उसने तो बीच में तू भी रो रहे हो, हैं, तो श्रीवास पंडित उनका विचार देखो, इतने बड़े विचार है, तो देखो एक दिन मरना है कि नहीं, एक दिन सबको मरना है, जब सबको एक दिन मरना है, लेकिन जहाँ साक्षात भगवान जहाँ नित्यानंद प्रभु ताऊ भैया, जहाँ पर स्वयं सदासी महाविष्णु, जहाँ पर स्वयं राधा रानी, जहाँ घर में नृत्य कीर्तन हो रही है, जहाँ पर मंगल उत्सव हो रहा है, ठाकुर का नाम कीर्तन सुनते 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 किसने शरीर छोड़ा, इससे सौभाग्य कुछ हो सकता है, फिर अगर मेरे अगर ऐसे मृत्यु होता ना मैं तो अपना जीवन बदलने समझ लेता, ठाकुर का कीर्तन सुनते सुनते हमारी हैं बेटा शरीर छोड़ा कर, तो भैया मैं भी ये सौभाग्य चाहता हूँ, हैं मैं भी ये सौभाग्य चाहता हूँ, देखो बेटे का कितने सौभाग्य है, खबरदार रोना धोना नहीं, अगर महाप्रभु स्वयं नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, अगर तुम्हारी रोना धोना से
अगर उनकी नृत्य कीर्तन में कोई बाधा पड़े ना, बेटा तो गई आप, मैं भी गले में रस्सी बांध करके, पत्थर बांध करके मैं भी गंगा में डूबूंगा। चुप बैठो, रोना नहीं, सबको चुप बैठ जाती। तभी स्त्रियां हैं ना अंदर कितने में उन्होंने फिर कीर्तन में आए, पहले जितने आनंद में नाच रहे थे ना उससे और भी ज्यादा आनंद में नाच रहे थे, आनंद में नाच रहे। महाप्रभु तो सब जानते हैं गठगट वास। महाप्रभु ने कहा आज ऐसे लगता है श्रीवास पंडित इधर कुछ अमग होगा, इतना बोलते ही श्रीवास पंडित ने छलांग लगा दी। बोले प्रभु जहाँ आप स्वयं वैकुंठ नाथ गोलोक वृंदावन की प्रतिभा भगवान कितना मंगल भवन अमंगल हरी, जिनकी कीर्तन से सारे अमंगल दूर हो जाता है और जो स्वयं साक्षात भगवान जिनके घर में, इनके घर में कभी अमंगल हो सकती है, कभी हो सकती है। इतने में अद्वैत आचार्य ने कहा प्रभु श्रीवास पंडित का जो एक लौता संतान था उसमें शरीर चल गया। महाप्रभु कहते हैं जिसने मेरे सुख के लिए पुत्र शोक ना जान लो जे महार सुखे, जिसका पुत्र का जो शोक है मेरे प्रेम के लिए जिसने एक लौता संतान शरीर छोड़ दिया, जब बेटा को शरीर छोड़ने का दुख नहीं मान रहे, मेरे वजह से उसने उस दुख को भी सुख मान लिया, ऐसे संतों को मैं कैसे छोड़ूंगा। देखो महाप्रभु ने कहा देख श्रीवास तुम्हारे एक बेटा गया ना, आज से तुम्हारे हम दो बेटे। बोले कौन कौन? बोले मैं एक बेटा हूँ और नित्यानंद प्रभु एक बेटा, बोले साक्षात कृष्ण और बलदेव प्रभु, आज से तुम्हारे हम दो बेटे होंगे, ऐसे हम तुम्हारी दो बेटे हो गए हैं। इसलिए फिर महाप्रभु आए, बोले चलो चलो देखते हैं। महाप्रभु आए और उसको छाती के ऊपर हाथ रखते ही बेटा दो बार जिंदा हो गया। जब जिंदा हो गया तब महाप्रभु ने पूछा भैया तू कहाँ चला गया? जब वो क्या कहता है, बोले प्रभु आपने जहाँ भेजे मैं वहीं पर गया, लेकिन मैं जीवन को धन्य मानता हूँ, बचपन से आपका दर्शन किया, आपका कीर्तन सुना, आपकी हमने सेवा की और आपकी कीर्तन सुनते सुनते मैंने ये शरीर छोड़ा, आपने तो अपना को सौभाग्यवान मानता हूँ, आपने जहाँ भेजा मैं वहीं पर गया हूँ, लेकिन मैं जहाँ पर गया हूँ बड़ा सुख बड़े सुख में आपका आशीर्वाद है। प्रभु संसार में कौन किसका है, अकेले आए और सबको अकेले जाना ही पड़ेगा। ये संसार तो एक धर्मशाला का, जैसे संसार में जैसे धर्मशाला है ऐसे ही जैसे धर्मशाला में रुको ना, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, रात को रुकते बैठे गप्पे मारे बात किया है, कहाँ से तुम हो? बोले बड़ौद सुन, बोले तुम कहाँ से? बोले कलकत्ता से। बोले तुम कहाँ से? बोले उड़ीसा से। बोले तुम कहाँ से? बोले मद्रास से। बस रात को गप्पे मारे और सवेरे उठ गए, धर्मशाला छोड़ दी। उसी तरह की संसार में ठीक नहीं से हम गप्पे मारे, तू कौन? बोले मैं तेरा बीवी है। बोले तुम कौन? मैं तेरे पति हूँ। बोले तू कौन? बोले मैं तेरा बेटा हूँ। बोले तुम कौन? बोले मैं तेरी बेटी। ये गप्पे मार रहे हैं और कुछ नहीं, जिसका समय आएगा ना पिता माता रहते हैं तो बच्चे का समय आएगा उसको करना पड़ेगा, जैसे ट्रेन में टिकट बना कर चलते हैं ना लोग बैठे को बात करते कहाँ तक कहाँ तक, लेकिन कहाँ तक है जहाँ तुमने टिकट बनाए, टिकट खत्म वहीं वहीं से उतरना पड़ेगा तुमको। उसी तरह के संसार में ठीक वैसे ये ट्रेन में बैठ कर यात्रा कर रहे हैं, जिसका समय आएगा उसको वहाँ से उतरना ही पड़ेगा वहाँ से। इसलिए उन्होंने बोले प्रभु आपने जहाँ भेजा मैं वहीं पर गया हूँ, लेकिन जहाँ हूँ वहाँ पर मैं सुख में आनंद में, मेरा कोई दुख कष्ट नहीं है, कोई दुख कष्ट नहीं। इसलिए महाप्रभु ने बोला उसको जिंदा कर दो। बोले प्रभु जब खुद कहता है मैं जहाँ पर हूँ मैं सुख में हूँ, फिर उनको फिर दोबारा क्यों लगना है? एक दिन तो मरना ही है, लेकिन आपके दर्शन करते करते स्पर्श करते करते कीर्तन सुनते सुनते आपकी साक्षात में जब कोई संसार से गया, इससे बढ़िया क्या? फिर उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। फिर ये जो श्रद्धा है ना, ये श्रद्धा को कहती है पक्की श्रद्धा। ये श्रद्धा पक्की श्रद्धा है,
किस कितने विपत्ति आने पर भी जो भगवान की भजन को नहीं छोड़ते। इसलिए तीन तरह का वैष्णव होता है। कितने तरह का वैष्णव है? भक्त है तीन तरह, एक उत्तम, एक मध्यम और एक कनिष्ठ। कहते कनिष्ठ भक्त किसको कहते हैं? बोले कनिष्ठ भक्त उसको कहते हैं भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति करने पर भी वो भक्ति डामाडोल सा भक्ति है। वो भक्ति डामाडोल भक्ति है, है? इसको कहते हैं कनिष्ठ भक्त है। थोड़ी सी अगर इधर उधर वो भजन कर रहे हैं लेकिन कभी भजन को फिर छोड़ देते हैं, कहते ये कनिष्ठ भक्त है जिनका श्रद्धा डामाडोल सा है। जो दूसरा तरह का भक्त कहते ये मध्यम भक्त है। बोले मध्यम भक्त का क्या लक्षण है? कहते मध्यम भक्त का लक्षण है कभी भी अपना भक्ति को कभी जो छोड़ते नहीं, जो भक्ति कभी छोड़ते नहीं, जो अपना भक्ति में पक्की है पूरा पूरा, लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते, दूसरों को समझा नहीं सकते लेकिन अपना भक्ति कभी छोड़ते नहीं। कहते ये कौन है? कहते मध्यम भक्त है। कहते उत्तम भक्त कौन है? बोले स्वयं अपना भक्ति को पक्का कर लेता है, अपना भक्त भी पक्की है लेकिन दूसरों को भी समझा करके, जिसको शास्त्र विचार है, जो स्वयं प्रतिष्ठित है, स्वयं अपना भक्ति को अच्छे तरह से कर लेते हैं लेकिन दूसरों को भी भगवान की भक्ति को बारे में बता करके दूसरों को भी जो भजन दिन में लगा देते हैं। खुद अपना भक्ति करते हैं, दूसरों को भी भक्ति में जो प्रेरणा देकर के उनको भी भजन में जो लगा देते हैं उसको कौन सा भक्त कहते हैं? उत्तम भक्त। ये सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इसलिए लेकिन वो होता कैसे भक्ति, ये फिर धीरे धीरे बढ़ती है कैसे भक्ति? तब तो उसने बताए भगवान अपना माँ को ये बात कहते, बोले माँ बोले सतान प्रसंगात मम वीर्य संकित भवती हृति कर्ण रसायन कथा ताजो सना आसु अपवर्ग वर्धमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम। ये धीरे 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 भक्ति बढ़ती है लेकिन भक्ति बढ़ेगी कैसे? सबसे पहले भक्ति का मूल क्या है? साधु संग है। इसलिए बोले साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र का एक अल्लभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। इसलिए हर शास्त्र में कहता है बिनु सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिनु सुलभ ना हो। इसलिए जीवन में जब तक सत्संग नहीं होता है तब तक जीव को ज्ञान नहीं होता है, और जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक जीवन में साधु संग भी उसी कृपा से ही मिलती है। इसलिए देखिए साधु संग का कहते भक्ति का मूल जो है सतान। सतान मतलब भगवान कहते माँ अगर तुम मेरे को प्राप्त करना चाहो तो सबसे पहले क्या करो? सतान प्रसंग पहले संतों की संग करो, संगत होकर जाए। कहते इस संग मतलब होता है आए उठे बैठे और चले गए, इसको क्या संग कहते हैं? बोले नहीं जैसे देखना संतों का जटा जटू भी होता है उसमें एक जू भी रहता है, उसमें कीड़ा होता है जू, लेकिन रहता है साधु तो सर पर सबसे नज़दीक में रहता है लेकिन उसका खून चूसता है, वो जू क्या करता है? उसका खून पीता है। क्या साधु संग ऐसे है? साधु संग ऐसे करने चाहिए रहेंगे साधु के पास न उसको खून चूसेंगे? नहीं, उसको साधु संग नहीं कहते। इसलिए साधु संग मतलब होता है सम्यक रूप में अनुगमन, मतलब वो जो बोलते हैं उसी के अनुरूप अपना जीवन को बिताना है। तो बस संग करने से, पास में जाने से, उठने से, बैठने से नहीं होता है, उनका उपदेश उनका आदेश को जब हम सही सही रूप में अपना जीवन में उतारेंगे उसको कहते हैं संग है, उसको कहते हैं संग। माँ क्या करो अगर भक्ति बनना चाहते हो? मेरी भक्तों का तुम संग, मेरे भक्तों का तुम संग करो। संग मतलब
तो जैसे साधन भजन करते हैं वैसे साधन भजन करो। प्रसंग जब साधु संग करे क्या होगा, बोले मम वीर जसंगी, जो साधु संग करोगे मेरी बड़ी बलवान कथा, मेरी बड़ी जो कथा है बड़ा ताकतवान कथा है, हैं वो कथा बड़ी दृढ़वान कथा है। अगर वो कथा सुनोगे ना मम वीर जसंगी, वो कथा किसे बड़े बलवान है, बड़े ब्रिजवती कथा है कथा, मम वीर जसंगी तो भवती रीति कर्ण रसायना है। यहाँ पर जो उदाहरण दिया ना मम बीर्ज कथा को एक बीर्ज के साथ में कारण दिया, एक उदाहरण दिया देखना, एक लड़की का मन कब तक चंचल रहता है, जब तक उसको शादी नहीं हो जाए तब तक मन चंचल रहता है। जब शादी हो जाती है उसको क्या पता चलता, भैया ये मेरे पति है, मैं उनकी पत्नी हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है, पति की सेवा करना है। लेकिन जब पेट में बच्चा आ जाए, जब लड़की के पेट में बच्चा आ जाए फिर क्या होता है, जब पेट में बच्चा आ जाती है ना, फिर बच्चे जब जन्म लेती हैं फिर वो पत्नी क्या करती है, अपना जीवन दे करके बच्चे को फिर वो अपना भरण पोषण करने लग जाती है, बच्चे की सेवा में ही लग जाती है। फिर उसका मन कहाँ लग जाता, पहले तो पति में था, उसको धीरे 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 कहाँ पर चला जाता, फिर तो बच्चे के प्रति चला गया, बच्चे को कैसे खिलाए पिलाए, बच्चे को कैसे बड़ा बनाए, उसको होनहार बनाए, लिखा पढ़ा सिखाए, बच्चे को कैसे अच्छा बनाए उसमें ही लगा देती है। तो उसी तरह यहाँ पर कहते मामा वीर है, कहते भगवान की कथा कैसे ही बड़ा वीरजवान कथा है, जब कथा को सुनोगे ना फिर तुमको क्या पता चलेगा मैं कौन हूँ, मैं भगवान की सेविका सेवक हूँ, भगवान कौन है मेरे प्रभु, फिर क्या करनी चाहिए, उनकी सेवा उनकी कथा उनकी कीर्तन उनकी भजन में ही अभी अपना जीवन को ठाकुर जी की सेवा भगवान की सेवा में ही बिता देनी चाहिए। इसलिए माँ जो कथा मम वीर के संगी दो भगवती वृत्त कर्ण रसायन कथा, यदि जो कथा है वो क्या करता है, बोले वृद्ध कर्ण, हृदय मतलब होता है हृदय, कर्ण मतलब होता है कान, ये कान को क्या देने वाला, बोले रसायन, रसायन कथा को रसायन बता, बोले रसायन क्या है, बोले कभी ये 10 तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन से ये रसायन बनती है, 10 तरह का जड़ी बूटी से, और जो रसायन है अगर उसको कोई पियो ना कर तुम्हारी शरीर का जितने बीमार है सारी बीमारी को ये खत्म कर देता है, शरीर का सारी बीमारी को ये खत्म कर देता है, शरीर में एकदम ताकत आ जाती है, शरीर में ताकत आ जाती है। माँ अगर तुम कथा सुनोगे ना, ये जो कथा है हृदय और जो कान ये दोनों को रस देने, अगर कथा सुनोगे जैसे रसायन पीने से उसको पीने से जैसे बीमारी दूर शरीर में ताकत आती है, उसी तरह अगर तुम मेरे भक्तों का संग सुनोगे कथा सुनोगे ना फिर क्या होगा, तुम्हारी जो भक्ति है वो तो पक्की हो जाएगी, तुम्हारी भक्ति एकदम पक्की भक्ति हो जाएगी, फिर इधर उधर फिर डामाडोल भक्ति नहीं रहेगी, एकदम दृढ़ भक्ति हो जाएगी, समझ जाओगे एक ही नाता मैं तेरा हो तू मेरे हो, जगत में हम ही तो तुम्हार तुम ही तो हमारे की काज अपरतन, भक्तिमान ठाकुर कहते प्रभु मैं तुम्हारा हूँ और तू मेरे हो, फिर दूसरे साधना का क्या मतलब है, तुम मेरा और मैं तेरा बस एक ही संबंध है, एक ही संबंध और जगत का सब संबंध झूठा संबंध है। इसलिए वो कथा सुनने से भगवान को साथ में तुम्हारी संबंध जुड़ जाएगी, फिर तो उस संबंध कभी टूटेगी नहीं। मम वीर जसंगी दो भवति हृदय कर्ण रसायन कथा, ये कथा हृदय और कान को बड़ा आनंद देना है। ताजोसन आसु अपवर्ग वर्तमान, जब कथा सुनाओगे धीरे धीरे क्या होगा, मतलब ये सारे खत्म हो जाएगा, इतने परिश्रम करते मुंह में जान को मतलब व्यर्थता बेकार, मतलब भाई माँ मृत्यु, अगर तुम कथा सुनोगे तो क्या होगा, ये जो पांच चीज है ना सब खत्म हो जाएगा,
परिश्रम खत्म हो जाएगा, तुम्हारी भाई दूर हो जाएगी, जन्म मृत्यु का चक्कर में भटकना नहीं पड़ेगा, जीवन जो वृद्धा जा रही है जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी, मानस बीमार वर्ग वर्तमानी श्रद्धा रति भक्ति धीरे धीरे कथा सुनकर सुनकर किया होगा भगवान के प्रति धीरे 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 श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होगा, फिर धीरे धीरे कथा सुनते सुनते हृदय में भगवान के प्रति भाव उदय होगा, हैं, फिर कथा सुनते सुनते क्या होगा, एक दिन स्वयं ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, ठाकुर जी स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, इसलिए माँ क्या करो, मेरे भक्तों का संग करो, मेरे भक्तों की संग करो, भक्त संग से ही ये सब चीज धीरे 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 जीवन में सर्वसिद्धि भगवत भक्त संग से ही तुम्हें प्राप्त हो। इसलिए यहाँ पर बताए भक्ति का जो क्रम से भक्ति का जो एक क्रम है, जो सोपान है, पहला जो सीढ़ी है कौन सा सीढ़ी, उसका नाम श्रद्धा, उसका नाम श्रद्धा, जब श्रद्धा होगा फिर उसको बाद में धीरे धीरे कथा सुनते फिर क्या होगा, भक्ति का सबसे पहले ये सदगुरु का चरणासन, 64 भक्ति अंग में सबसे पहला अंग है, सबसे पहले भक्ति जगत में प्रवेश करने का सबसे पहले है पहले सदगुरु का चरण को पहले आश्रय ग्रहण कर, आश्रय ग्रहण करते हुए फिर धीरे 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 भक्ति जगत में हमारी प्रवेश होगी, ठीक है। हरे कृष्ण, हाँ देखो जो कल है ना, कल है नरसिंह चतुर्दशी है, कल से नरसिंह चतुर्दशी है, कल के दिन कभी से नरसिंह भगवान ने कल का दिन प्रकट किया, जो कल का दिन बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि भक्ति जगत में बड़ी बड़ी बात आई, भक्ति जगत में बड़ी बड़ी बात आई, बोले भक्ति मार्ग की है कोटि कंठ करो, भक्ति का मार्ग करो कांटा, बोले पुरस धारा निशीत दुर्दया दुर्गम पदस्तत कवय भक्ति, जो भक्ति के मार्ग में चलना और एक ब्लेड को तलवार को ऊपर चलना बराबर, ब्लेड तलवार को ऊपर चलना बराबर ही भक्ति है, आप लोग तो भक्ति में आ रहे हो आपको पता होगा, हैं गला में कटती तिलक पहने भजन पहने तो सारा दुनिया पहले ताना मारना शुरू कर दिया था, ये क्या कटती तिलक भजन में क्या लग गई, ये कोई उम्र है भजन करने का, अभी से कटती तिलक माला पहनी है संसार का सुख दिखाई नहीं, अभी से कटती तिलक सब कर दिया, तेरा सारा दुनिया में ताना मारना शुरू कर दिया सबसे पहले, हैं कभी यहाँ तक भी कभी स्वर्ग के देवता भी ना उसको पीछे पड़ जाते, बोले ये साधारण एक जीव है और भक्ति करके कहाँ चले जाएगा, बोलो बताओ देवता कहाँ रहते, बोले स्वर्ग में, और स्वर्ग से कितने ऊंचे पे प्रभु का धाम है, यदि हमारे सर पर प्यार रख करके बोलो वृंदावन में चले जाए हम जाने नहीं देते टांग खींचे, सबसे पहले देवता एक टांग पकड़ करके खींचना शुरू कर देते हैं, और इसी जगत में बोले सत्यम सतने न विज्ञाना, अगर कोई सच बोलने के लिए जाना सौ बाधा है, और सत्यम सत्य न साहस रहे न तथा तप हो, अगर तुम तपस्या करने के लिए जाओ तुम्हें हजार विघ्न है और विघ्न अजुते, अगर तुम गोविंद को कृष्ण को भजन करने जाओ प्रतिपद प्रतिपद पद में विपत्ति प्रतिपद में विपत्ति है, हाँ गोविंद को भजन कृष्ण भजन, लेकिन अगर नरसिंह देव जैसे श्री प्रभात महाराज को जीवन में कितनी बड़ी बड़ी बात है विपत्ति आए पिता हो करके बेटे को मारने के लिए कोशिश इसलिए हो सकता है, और बेटा अगर कोई गलत काम करे तभी तो हो, लेकिन बेटा सबसे बढ़िया काम किया कर रहे भगवान की भक्ति कर रहे, भगवान एक बार नहीं जब तक जीवन रहा आकाश में फेंकना पानी में फेंक देना सर्पों को सामने हैं काल कोठरी में बंद करना आग में जला देना ये कोई साधारण बात है, अपना बेटे को और अच्छा काम कर रहा है भगवान की भक्ति पर बाधाएं क्यों दिया है, इतने बाधा क्यों दी, लेकिन लास्ट में किसने रखा थी, नरसिंह भगवान ने रखा थी उस तरह भक्ति मार्ग में बड़ी बड़ी बाधाएं बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं, लेकिन अगर श्री नरसिंह देव को हम स्मरण करें
नरसिंह देव के पुकार तो हर समय नरसिंह भगवान में भक्ति से विपत्ति से हमें दूर करके और हमारा जो भक्तिमय जीवन को धीरे 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 वो आगे बढ़ाते रहे। इसलिए कल से नरसिंह देव का चतुर्दशी है। ठाकुर जी ठीक शाम का समय में भगवान ने आविर्भूत हुआ है। इसलिए कल मैं तो सवेरे चले जाऊंगा क्योंकि मेरा कहीं कथा है शाम को, मेरे कहीं कथा है शाम को। फिर कल आप लोग सारे जितने जितने बड़ों के भक्त बैठे सबको व्हाट्सएप में सबको भेज देना। कल जरूर यहाँ पर शाम को आए और यहाँ पर कीर्तन करना और नरसिंह देव की कथा सुनना सबके साथ और नरसिंह देव की आरती और नरसिंह देव को। और कल है जैसे व्रत जैसे आज एकादशी व्रत रखा था ना, कल जैसे एकादशी व्रत रखा था उसी तरह कल भी नृसिंह चतुर्दशी में भी शाम को जब नरसिंह देव प्रकट हो जाते हैं उसको बाद में जो रख सकते हो अच्छी बात है। जो व्रत है ना जैसे महाभूत नृसिंह देव शाम को प्रकट हुए तब तक कोशिश करनी चाहिए व्रत को रखने की, कुछ नहीं खाने की, कुछ नहीं खाने की। और आज लग रहा है बारिश बारिश से कुछ दिख रहा है, पहले भगवान ठंडा ठंडा बना दिया। इसलिए कोशिश करना जैसे शाम तक जैसे बिना खाए पिए जैसे शाम तक रहने के लिए। जब नरसिंह देव की आविर्भाव हो जाएगी उनको अभिषेक होगी फिर उनका चरणामृत से व्रत खोल करके उसके चरणामृत से व्रत खोल करके फिर फलाहार जैसे ग्रहण करेंगे। जो रख सकते हो कोशिश करना रखने के लिए और जो एकदम नहीं रख सकते हो फिर अगर फल नहीं तो कोई जूस अगर पी लेना, लेकिन जो रख सकते हो बहुत बढ़िया है क्योंकि नरसिंह भगवान की कृपा से ही ये भक्ति का सारी बाधा विपत्ति ये दूर होता है। बोले श्री नरसिंह भगवान की, बोले भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे।